ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर, आ रही है सर। सब लोगों को आवाज जा रही है प्रॉपर? हाँ आवाज आ रहा सर। गुड इवनिंग सर। यस सर। यस सर। यस सर। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। जी सर, हो रहा है। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? शेयर हो रहा, शेयर हो रहा। ओके, यस सर। मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ और आगे का जो हम लोगों का डिस्कशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का जो स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पूरे बेसिक से एडवांस तक सारे टॉपिक को क्लियर किया, ये क्रैश कोर्स आज हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है। इस क्रैश कोर्स में हम लोगों ने क्या क्या समझा वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज फर्स्ट डे ज्वाइन किए होंगे इस क्लास को, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये हम लोगों का बैच 8 है, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 8। ये आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और कल मतलब 2 अक्टूबर से फिर हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, ठीक है? 2 अक्टूबर से बैच 9 स्टार्ट होगा, तो आप वहाँ पे फिर अगेन सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हो। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट आज जो हम लोगों का लेक्चर होने वाला है ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद इस क्रैश कोर्स में हम लोगों का कोई भी लेक्चर नहीं होगा। तो अभी हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में जो हम लोगों का क्रैश कोर्स था उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा, क्या क्या चीज़ हम लोगों ने समझा। सबसे पहले मैं आपको बताया था टेक्निकल एनालिसिस, पूरे जीरो लेवल से मैं स्टार्ट किया था और धीरे 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 सारे टॉपिक को मैंने क्लियर किया। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने समझा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा था। फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है और आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे उसको भी मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। अभी हम लोगों का लास्ट लेक्चर चल रहा है क्या हार्मोनिक ट्रेडिंग का, और हार्मोनिक ट्रेडिंग में भी हम लोगों का टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स था जिसको हम लोगों ने सीखा था। एक बार मैं आप लोगों को वो भी चीज़ें दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमारे 7 पैटर्न्स थे। तो 7 हार्मोनिक पैटर्न्स कौन कौन से थे, बैट थे, बटरफ्लाई थे, गाटली थे, साइफर थे, क्रैब थे और डीप क्रैब और शार्क। तो डीप क्रैब तक, यहाँ तक कल के लेक्चर में हम लोगों ने डीप क्रैब भी समझ लिया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को, सारे पैटर्न्स को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया। आज का लेक्चर जो होने वाला वो होने वाला शार्क पैटर्न पे। शार्क पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी पैटर्न्स के हिसाब से, बट एक चीज़ आप लोग समझ लो, ये शार्क पैटर्न की जो एक्यूरेसी है ना वो सारे पैटर्न्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप शार्क पैटर्न अच्छे से सीख गए तो इस पर आपको डेली बेसिस पे तो ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन जब कभी भी मिलेगा तो हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका टारगेट हिट करेगा, ठीक है? तो शार्क पैटर्न की एक्यूरेसी सारे पैटर्न के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। तो आज का जो हम लोगों का लेक्चर होने वाला, जो मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ, इसको ध्यान से सीखना और समझना। और मैं आपको पहले ये बता दें कि हार्मोनिक पैटर्न्स थोड़ा सा टफ है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दोगे तभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें क्रैश कोर्स में सिखाया था पूरा हम लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया। हार्मोनिक ट्रेडिंग का लास्ट पैटर्न बचा हुआ उसको भी मैं भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। फिर ये जो हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 8 था ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं बैच 9 स्टार्ट करूंगा। डेट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, 2 अक्टूबर से स्टार्ट करूंगा मंडे से, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी मुझको ये बताओ कि जो भी लोग इस क्रैश कोर्स में थे सब लोगों को हर एक टॉपिक क्लियर है, जितने भी लोग हो? जी सर, क्लियर है सर। सब लोगों को यस सर नो? ओके, यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। ओके फाइन, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखने वाले हैं शार्क पैटर्न क्या होता है और शार्क पैटर्न को किस तरीके से चार्ट पे ड्रॉ करना होता है, कैसे हम लोग इसमें टारगेट डिसाइड करते हैं, कैसे हम लोग इसमें स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से लेक्चर को देखना, नोट्स जरूर बनाना, पैटर्न्स के रूल्स जो है उसको जरूर लिखना। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों का क्लियर हो गया था। अब हम लोगों को क्या करना, शार्क पैटर्न। तो मैं यहाँ से शार्क पैटर्न का रूल्स निकाल लेता हूँ, ठीक है? तो शार्क पैटर्न का हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रूल्स निकाल लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। देखो ये शार्क पैटर्न है, शार्क पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि शार्क पैटर्न क्या है, सारे पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको लगाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें टोटल 5 लेग होंगे, ओ, एक्स, ए, बी एंड सी। इसमें हम लोग सी पॉइंट पर एंट्री करते हैं, कैसे एंट्री करेंगे वो भी अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है? इसके जो रूल्स हैं वो यहाँ पर देखो आप लोग, ये है शार्क पैटर्न के रूल।
अब यहाँ पे हमारा ए बी कितना होना चाहिए, बी सी कितना होना चाहिए, सी डी कितना होना चाहिए, कैसे एंट्री करना है, कैसे टारगेट डिसाइड करना है, कैसे स्टॉप लॉस करना है, इसका मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल आप लोगों को चार्ट पे समझा देता हूँ ताकि ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मान लेते हैं कोई भी मैं यहाँ पे चार्ट खोल लेता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे रफली समझाता हूँ, रफली जब मैं समझा दूंगा तो उसके बाद आपको मैं इसका लाइव एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा एक दो, तभी आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, शार्क पैटर्न जो होते हैं ना, शार्क पैटर्न में हम लोगों का एक लेग एक्स्ट्रा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओ एंड एक्स, ठीक है। ओ एंड एक्स जो होगा ना वो हमारा एक लेग इसमें एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि बाकी पैटर्न्स में क्या था एक्स ए ए बी बी सी और सी डी, यहाँ पे स्टार्ट होगा ओ एक्स एक्स ए बी एंड बी सी से, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बाकी जो हम लोगों का पैटर्न था वो कैसे था उसका मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये हमारा क्या था एक्स ए होता था, ये मान लेते हैं ए बी होता था, फिर ये बी सी होता था, और ये हमारा फॉर एन एग्जाम्पल सी डी होता था जहाँ पे भी हम लोग एंट्री करते हैं। ये हमारा नॉर्मल पैटर्न है जो बाकी के छः पैटर्न्स हैं। लेकिन अगर आप शार्क पैटर्न देखोगे ना तो शार्क पैटर्न में क्या होता है कि हमारा एक इम्पल्स होता है, इसको मैं समझा के आपको डिलीट कर देता हूँ, आपको मैं रफली समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझना हम लोगों का शार्क पैटर्न क्या होता है कि इसमें एक इम्पल्स होगा, ये हमारा इम्पल्स, इसका नीचे साइड एक करेक्शन होगा ओ एक्स एक्स है, ये हमारा होगा ए बी और नीचे साइड होगा हमारा बी सी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, इस पैटर्न में क्या डिफरेंस है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे ना आपको धीरे धीरे ये चीज क्लियर होने लगेगा। अब यहाँ पे पहले इसका मैं नाम दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जो हम लोगों का शार्क पैटर्न होता है ना वो स्टार्ट होता है ओ लेग से, ठीक है। यहाँ पे ओ और उस पर ऊपर में क्या होगा ओ के बाद एक्स, ठीक है। ये हमारा इम्पल्स होगा, इसका रिट्रेसमेंट होगा, फिर ये इम्पल्स होगा, इसका ये क्या होगा रिट्रेसमेंट होगा। तो हमारा ये लेग को क्या बोलेंगे, इम्पल्स लेग को ओ एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि ये हमारा ओ एक्स का लेवल है। लेकिन अगर आप इससे पहले देखोगे तो हमारा कौन सा लेवल होता था, एक्स ए होता था, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल पैटर्न है, जो बाकी के छह पैटर्न है ना वो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो हमारा ओ एक्स है ये शार्क पैटर्न में स्टार्ट होगा और ये हमारा एक इम्पल्स होगा, इसका ये क्या होगा रिट्रेसमेंट होगा। अब देखो हम लोग बाकी पैटर्न्स में क्या चेक करते थे कि अगर ये हमारा इम्पल्स है इसका जो नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आ रहा वो कितना परसेंट आ रहा फिबोनाची के हिसाब से, वो चीज़ हम लोग चेक करते थे। और जितना भी आता था, जो अगर 61 आ रहा तो उस हिसाब से हम लोग पैटर्न लगाते थे, अगर 38 से 50 के बीच में आ रहा तो उस हिसाब से हम लोग पैटर्न्स लगाते थे, अगर 78 आ रहा तो वहाँ पे बटरफ्लाई लगाते थे, तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे डिसाइड करते थे। लेकिन शार्क पैटर्न में जो हमारा इम्पल्स लेग होगा ना और इसका जो रिट्रेसमेंट होगा ना ये कितना परसेंट होगा ये मैटर ही नहीं करता है, बस आपको एक इम्पल्स ढूंढना और एक रिट्रेसमेंट ढूंढना है। फिबोनाची के हिसाब से कितना परसेंट का वो रिट्रेसमेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक इम्पल्स कंप्लीट, इसका रिट्रेसमेंट कितना भी हो चलेगा, बस रिट्रेसमेंट आना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो इसका नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आना चाहिए। इसका भी मैं लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस ये समझो कि ये हमारा क्या है ओ एक्स इम्पल्स लेग, इसका रिट्रेसमेंट कितना भी हो चलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया ओ एक्स हो गया। अब नीचे की साइड हमारा क्या होगा एक्स ए होगा, ओके। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ एक्स ए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारा ए लेवल है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, इम्पल्स मिला और उसका रिट्रेसमेंट मिला, मतलब ओ एक्स कम्प्लीट एक्स ए कम्प्लीट। अब यहाँ तक हमारा शार्क पैटर्न का लगभग काम हो गया। जब आप ये चीज सीख गए कि हमारा एक इम्पल्स है उसका क्या है एक रिट्रेसमेंट है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे इसमें फिबोनाची लगा के देखते थे कितना परसेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको फिबोनाची वगैरह कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा देखना है कि एक इम्पल्स आया उसका रिट्रेसमेंट हमारा यहाँ पे बैट शार्क पैटर्न लग सकता है। लेकिन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूल्स है, जैसे कि अब इसके बाद हमारा कौन सा लेग है ए बी लेग है, तो ए बी लेग हमारा रूल के हिसाब से मैच करना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रूल के हिसाब से मैच करते थे वैसे यहाँ पे हमारा ए बी लेग रूल के हिसाब से मैच करना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ से स्टार्ट है ए बी से, इससे पहले आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या था कि बस आपको एक इम्पल्स ढूंढना है और एक रिट्रेसमेंट ढूंढना है, कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको देखना है ए बी, ए बी कितना होना चाहिए 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए एक्स ए का, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारा कितना लेवल होना चाहिए 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। ओ एक्स एक्स है, ऊपर की साइड हमारा ए बी होने वाला है। ए बी कितना होगा पहले रूल देख लेना, ए बी कितना होना चाहिए 1.13 से लेकर 1.618 होगा यहाँ पे, ठीक है। 16 नहीं होगा, ये थोड़ा सा मेरे से टाइपिंग एरर हो गया, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए किसका एक्स ए का। तो एक्स ए ढूंढो, ये हमारा एक्स ए है, इसका रिट्रेसमेंट ए बी कितना होना चाहिए 1.13 से 1.618। अब तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा फिबोनाची लगाएंगे, किसमें लगाएंगे एक्स ए में लगाएंगे, क्योंकि ये क्या बोलता है किसका होना चाहिए एक्स ए का होना चाहिए, तो एक्स ए में ही फिबोनाची लगाएंगे। तो बस सिंपल सा स्टेप क्या करना,
एक्स से लेकर ए तक में आपको क्या करना, फिबोनाची लगा देना। अब यहाँ पे जो हमारा लेबल है वो कितना बोलता है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, कितना से कितना होना चाहिए, 1.13 से 1.618 होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेवल को रिकरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1.27, 1.414 भी है, उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1.13 को पहले ऑन करता हूँ, 1.414, 1.27 इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, अब ओके करता हूँ। 88 के भी लेवल का भी हम लोगों को कोई काम नहीं है, तो 88 के लेवल को भी मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, 88 को मैं यहाँ से बंद कर दिया और ओके। अब यहाँ पे देखो, OX हमारा इम्पल्स ले गया, ये हमारा रिट्रेसमेंट है। ये OX का कितना परसेंट है इससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान हम लोगों को बस AB पे देना। जब हम लोग को एक इम्पल्स उसका एक रिट्रेसमेंट मिल गया, उसके बाद हम लोग क्या ध्यान देंगे, AB पे ध्यान देंगे। तो अब ये हमारा क्या है, AB है। अब AB कितना परसेंट होना चाहिए, 1.13 से 1.618। अब यहाँ पे देखो, मार्केट मान लेते हैं इस लेवल को टच करके नीचे की साइड आया, तो ये हमारा कौन सा लेवल है, 1.618। तो मार्केट जो यहाँ से ऊपर की साइड गया, तो मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए। तो OX कंप्लीट, XA कंप्लीट, AB 1.618 के लेवल को टच करके नीचे की साइड आया, मतलब हमारा यहाँ पे AB भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि AB हमारा रूल के हिसाब से मैच कर गया, तो मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ। मतलब क्या हुआ, हमारा OX मिल गया, XA मिल गया, AB भी मिल गया। AB जो हमारा रूल था कि 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए XA का, ये 1.618 को टच करके नीचे की साइड आ रहा, मतलब ये पैटर्न हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब नीचे की साइड हमारा क्या होगा, BC होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग रूल देखेंगे कि BC कितना होना चाहिए। BC बोलता है 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए, किसका, OX का। अब OX हमारा कौन सा है, ये हमारा OX है। तो अब मैं क्या कहता हूँ, इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा BC जो होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए, OX का 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए। तो अभी हम लोग किस में फिबोनाची लगाएंगे, OX में लगाएंगे। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, O से लेकर X तक मैं फिबोनाची लगाता हूँ, और ये कितना होना चाहिए, 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 0.88 के लेवल को एक बार ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखना कौन सा लेवल है 0.88 का, ये हमारा 0.88 का लेवल है और ये रेड वाला 1.13 का लेवल है। मार्केट क्या बोलता है कि जैसे मार्केट BC हमारा होगा वो 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए। अब मैक्सिमम ये होना चाहिए और मिनिमम ये होना चाहिए, इसके बीच से प्राइस यहाँ से क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, जैसे प्राइस इस लेवल के पास आएगा, अब यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की साइड जाएगा। तो एंट्री हमारा कहाँ पे बनेगा, इस जगह पे बनेगा। अब ये कैसे हुआ आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। OX कंप्लीट, XA कंप्लीट, AB कंप्लीट, ये हमारा क्या है, BC है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, BC लेग है। तो मतलब हमारा C लेग कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा C लेग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। OX कंप्लीट, XA कंप्लीट, AB कंप्लीट, BC कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कहाँ पे करते हैं, पैटर्न देखना। BC कंप्लीट हो गया आपका 0.88 से लेकर 1.13। CD कितना होना चाहिए, 0.5% होना चाहिए BC का। तो इसको आप छोड़ो, पहले आप ये देखो कि आपको एंट्री कहाँ पे करना है, C पॉइंट पे करना है। पैटर्न में C पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा। तो मतलब आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनेगा, एंट्री पॉइंट आपका बनेगा इस लेवल पे। ओके, और यहाँ पे हमारा कौन सा जोन बनेगा, उस जोन को हम लोग बोलते हैं PRZ जोन। और PRZ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम इस जोन के अंदर एंटर करेगा और यहाँ से रिवर्स करेगा ऊपर की साइड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने C पॉइंट पे एंट्री कर लिया, तो अब C के बाद ऊपर D बनने वाला है। तो D CD कितना होना चाहिए, 0.5% ऑफ BC। तो ये हमारा पूरा BC है। इस पूरे इंपल्स का जो 50% होगा ना, वो हमारा टारगेट होगा। तो टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, जो हमारा BC लेगा इस पूरे इंपल्स में क्या करेंगे हम लोग, जो 50% का लेवल है उसको मार्क करेंगे। तो ये हमारा 50% का लेवल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन मार्क करते हैं और फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं। मतलब आपने इस जोन के अंदर एंटर किया, स्टॉप लॉस आपका इस जोन के नीचे रहेगा और आपका ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 0.5%, ये आपका टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से शार्क पैटर्न लगता है, OX, XA, AB, BC। यहाँ पे बस आपको ध्यान एक चीज रखना है कि यहाँ पे जो हमारा पहला इंपल्स और रिट्रेसमेंट होगा ना, ये फिबोनाची के हिसाब से कितना परसेंट होगा ये मैटर नहीं करता है। ओके, AB हमारा कितना होना चाहिए, 1.13 से 1.618 होना चाहिए XA का। ये हमारा 1.618 था, मैंने अभी आपको फिबोनाची लगा के दिखाया था। नीचे की साइड आ जाएगा, BC हमारा कितना होना चाहिए, BC हमारा होना चाहिए 0.88 से 1.13 OX का। तो अभी यहाँ पे मैंने OX में फिबोनाची लगाया, 1.13 के लेवल को मैंने यहाँ पे मार्क किया। जो लेवल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और यहाँ से जो हम लोगों का टारगेट होगा वो कितना होगा, तो CD कितना होना चाहिए, 0.5% होना चाहिए। टारगेट देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, 0.5% ऑफ BC।
तो बीसी हम लोग देख लेंगे, ये हमारा बीसी है, इसका 50% जो हमारा होगा वो टारगेट होगा। तो ये आपको एंट्री कहाँ पे करना है, इस जगह पे, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दो एग्जांपल दिखाऊंगा, एक बैंक निफ्टी के चार्ट पे और एक निफ्टी के चार्ट पे, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अभी मुझको आप रफली जो भी चीज़ें मैं आपको समझाई एक बार बता दो कि रफली समझ में आया सब लोगों को। अगर ये अगर थोड़ा सा भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो किस तरीके से यूज़ करना है, तो अभी चार्ट पे समझाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रफली समझ में आया सब लोगों को? जी सर। सर ये भी तो मैंने बुलिश और बियरिस दोनों होगा ना चार्ट पैटर्न, दोनों केस में एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल, ये बुलिश भी होगा, ये बियरिस भी होगा। ओके सर जी, सर एक बार तारीख के बाद साइपर पैटर्न बता दो, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जो मैं क्वेश्चन किया कि अभी आपको जो मैं रफली समझा वो समझ में आया? जी। ओके, तो अभी मैं शार्क पैटर्न का एग्जांपल आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ समझ लो, जितने भी पैटर्न्स मैं बता रहा हूँ, सात पैटर्न्स बताएं, तो सातों पैटर्न्स जितने भी पैटर्न्स में बताएं, एक बुलिश बनेगा और एक बियरिस बनेगा। हमेशा ध्यान, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुलिश ही होगा या ऐसा नहीं कि सिर्फ बियरिस ही होगा, बुलिश भी बनेगा बियरिस भी बनेगा, कंडीशन के हिसाब से जैसा बनेगा उस हिसाब से आपको ट्रेड करना। ओके, तो अभी मैं आपको यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब ये हमारा निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इसको आप लोग अपने चार्ट पे भी देख सकते हो, ठीक है। अब इस चार्ट को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम लोगों को शार्क पैटर्न लगाना है, शार्क पैटर्न के साथ साथ जो भी हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज कर रहे हो उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी साथ में लेके चलना है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को साथ में लेके नहीं चलोगे तो फिर वहां पे आप ट्रैप हो जाओगे। तो अब देखो, सबसे पहला आपका क्या स्टेप है, आपको एक इम्पल्स लेग ढूंढना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है। ओके, हमारा ये क्या है, इम्पल्स लेग है, और इसका ये क्या है, रिट्रेसमेंट है। तो इस लेग को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओ एक्स नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ एक्स, ये हमारा क्या हुआ, ओ एक्स हुआ, ये हमारा ओ लेग हुआ। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये हमारा ओ लेग कम्प्लीट और ये हमारा एक्स लेग कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ एक्स कंप्लीट, ये हमारा हुआ इम्पल्स लेग, और इम्पल्स लेग के बाद हमारा रिट्रेसमेंट होता है, मतलब ओ एक्स हो गया, ओ एक्स के बाद नीचे की साइड हमारा क्या बनेगा, एक्स ए बनेगा। तो अब इस इम्पल्स का ये कितना परसेंट रिट्रेसमेंट है ना, ये हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना परसेंट भी हो ये चीज़ चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 50% हो या फिर 60% हो या फिर 78% हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये हमारा इम्पल्स लेग है, ये हमारा क्या होना चाहिए, रिट्रेसमेंट होना चाहिए, कितना परसेंट का मैटर नहीं करता है। तो ये हमारा हुआ ओ एक्स, इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स ए, ठीक है। एक सेकेंड, ओ एक्स कम्प्लीट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा एक्स ए कम्प्लीट हो गया। फिबोनाची हम लोगों को यहाँ पे यूज नहीं करना है। ओके, जब हमारा ओ एक्स कम्प्लीट हो जाएगा, एक्स ए कम्प्लीट हो जाएगा, तो ऊपर की साइड फिर हमारा क्या बनेगा, ए बी बनने वाला। तो ए बी कितना परसेंट होना चाहिए पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ए बी होना चाहिए 1.13 से लेकर 1.618, किसका, एक्स ए का। तो ये हमारा एक्स ए है, इसका रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स ए में फिबोनाची लगाते हैं, ये हमारा एक्स है और ये हमारा ए है। अब मार्केट को अगर देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली 1.13 के लेवल को टच करके नीचे की साइड आया। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से ओ एक्स कम्प्लीट, एक्स ए कम्प्लीट, जो ऊपर की साइड गया है, ये हमारा ए बी बनने वाला है। किस लेवल को टच किया, 1.13 को, और इसको टच किया और यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। रूल क्या बोलता है, ए बी कितना होना चाहिए, 1.13 मिनिमम, मैक्सिमम 1.618। तो ये मिनिमम को टच किया, अब ये ऊपर जाकर अगर इस लेवल को भी टच करके नीचे आता है ना, फिर भी शार्क पैटर्न काम करता, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो ओ एक्स कम्प्लीट हो गया, एक्स ए कम्प्लीट हो गया, अब ऊपर की साइड जो हमारा बना क्या, ए बी बना। तो ये भी हमारा क्या है, पैटर्न के हिसाब से ए बी हमारा सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ए बी है। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि ये हमारा बी भी सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया। मतलब मार्केट में पैटर्न्स के जो हमारे रूल्स हैं उसको मार्केट यहाँ पे प्रॉपर फॉलो कर लिया। तो ओ एक्स कम्प्लीट, एक्स ए कम्प्लीट, ए बी कम्प्लीट। जब हमारा ए बी कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, नीचे की साइड बी सी बनाना है। अब देखो, मार्केट भी एग्जैक्टली इस पैटर्न को फॉलो करेगा और इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट टारगेट भी देगा। कैसे देता है वो अभी आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, रूल कितना होना चाहिए, बी सी, बी सी बोलता है मिनिमम 0.88 होना चाहिए और मैक्सिमम 1.13 होना चाहिए, किसका, ओ एक्स का। अब ध्यान से देखना, ओ एक्स कौन सा है, ये हमारा ओ एक्स है। इसका जो नीचे की साइड रिट्रेसमेंट होना चाहिए ना, वो मिनिमम 88 होना चाहिए और मैक्सिमम 1.13 होना चाहिए।
तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से फिबोनाची पहले लगाते हैं, ओ से लेकर एक्स तक में फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ। ठीक है, अभी देखना जो मैंने ऊपर वाला कर्सर रखा कहाँ पे रखा, एग्जैक्टली एक्स के टॉप पे, और आपको मैंने फिबोनाची लगाना सिखाया तो आई होप आपको ये चीज़ तो अच्छे से याद ही होगा। अब यहाँ पे देखना है कि 0.88 का लेवल कौन सा है, तो मैं यहाँ पे 0.88 के लेवल को मार्क करता हूँ। ये रहा 0.88 का ये वाला लेवल, ओके, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। जब आपका 0.88 का लेवल मार्क हो जाएगा आपको फिर मार्क करना 1.13, तो इसी लेवल को मैं क्या करता हूँ 1.13 पे रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का दोनों लेवल मार्क हो गया, 0.88 का लेवल और 1.13 का लेवल। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। मार्केट जैसे इस जोन के अंदर इंटर करेगा फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ BC, मतलब क्या हुआ, ये हमारा BC लेग हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा C सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, और जहाँ पे भी हम लोगों का C कंप्लीट होगा हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे। बाकी पैटर्न्स में हम लोग एंट्री कहाँ पे करते थे, D पॉइंट पे, लेकिन शार्क पैटर्न में हम लोग एंट्री करेंगे C पॉइंट पे और टारगेट हम लोगों का होगा D पॉइंट का। अब कैसे टारगेट डिसाइड करना है, आपने C पॉइंट पे एंट्री कर लिया, अब टारगेट आपको कितना रखना है, 0.5% होना चाहिए किसका, BC का। अब देखो BC कौन सा है, ये हमारा BC है, इसका 50% क्या होगा, वो हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे आपको बस सिंपल सा फिबोनाची लेना और BC में क्या करना, फिबोनाची को लगा देना। तो BC में लगाना है तो B का आपको टॉप लेना और C का क्या करना, लो लेना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ C के लो को यहाँ पे कंसिडर करता हूँ और 50 का जो लेवल है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो ये रहा हमारा 50 का लेवल, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर दिया और फिबोनाची को मैं डिलीट कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, जैसे प्राइस इस लेवल के अंदर एंटर किया यहाँ से आपका ये टारगेट रहेगा। 88 के लेवल को अभी हम लोग डिलीट कर देते हैं क्योंकि मार्केट 1.13 के लेवल के पास है। तो यहाँ पे आपको एंट्री करना है और ये रहा आपका फर्स्ट टारगेट। इसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए पूरा टारगेट आप ले सकते हो, लेकिन ये रहा आपका फर्स्ट टारगेट और मार्केट ने यहाँ पे आपके फर्स्ट टारगेट को हिट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार टूल लगा के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे या कहीं पे भी देखो ना, तो यहाँ पे आपको शार्क पैटर्न का टूल्स नहीं मिलेगा, आपको XABCD मिलेगा। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे अगर टूल लगाओगे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि क्योंकि ये तो एक्स से स्टार्ट होता है। आप देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, OX, ये कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट होना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली हम लोगों को बी से ध्यान देना है कितना होना चाहिए, 1.13 होना चाहिए। ठीक है, तो 1.17 चलेगा क्योंकि 1.13 से बस ऊपर होना चाहिए, अब वो 1.16618 तक चलेगा। अब ये हमारा कितना होना चाहिए, 1.13 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1.13 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे डी लेवल आ रहा है क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, XA, AB, BC और CD। तो आप यहाँ पे टूल लगा सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि ये हमारा OX है, ये हमारा XA है, ये हमारा AB है और ये हमारा BC है, और C पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। इस पूरे इम्पल्स का जो हमारा 50% है वो हमारा टारगेट होगा। तो मान लेते हैं कि इस पूरे इम्पल्स का 50% कौन सा लेवल था, उसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। जो भी हमारा 50% का लेवल है, अगर ये हमारा 50% का लेवल है तो मैं इसको यहाँ पे मार्क करता हूँ। ठीक है, 50% के लेवल को मैंने मार्क किया और फिबोनाची को डिलीट। आपको एंट्री कहाँ पे करना है, आपको एंट्री करना है सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट आपका ये रहा, यहाँ पे तो मैंने ये टूल लगा दिया ना, इसलिए डी आ गया, लेकिन जो भी मैंने इससे पहले आपको समझाया OX, XA, AB, BC, सी पे आपने एंट्री किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगाने का, टारगेट आपका इस पूरे इम्पल्स का 50% रहेगा। और ये जब कभी भी बनेगा ना तो मार्केट में हायर चांसेस होते हैं कि मार्केट इस टारगेट को हिट करेगा, क्योंकि इसके पीछे अगर साइकोलॉजी को समझोगे ना तो आपको क्लियर होगा। क्योंकि देखो एक्स क्या है, एक हमारा एक्चुअल में सपोर्ट का लेवल है। अब इसके ऊपर हमारा क्या होता है, 88 का लेवल यहाँ पे आता है, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। और या नहीं तो इसके नीचे जितने लोगों का भी स्टॉप लॉस रहता है ना, मार्केट नीचे आता है 1.13 तक और यहाँ पे सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट करते हैं, उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स हो जाता है। तो इसके पीछे जो साइकोलॉजी है बस यही है कि ये अगर हमारा इम्पल्स है तो ये हमारा जहाँ से भी मार्केट स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सपोर्ट का लेवल मार्क करके रखते हैं, और जब वापस से मार्केट इस लेवल के पास आता है तो 88 का जो लेवल होता है यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाइंग करना स्टार्ट करते हैं या फिर सपोर्ट पर बाइंग करते हैं। वो लोग बाइंग तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस तो इसी के नीचे का रखेंगे, और मार्केट आएगा नीचे, स्टॉप लॉस को हिट करेगा और यहाँ से रिवर्स होगा। तो जहाँ पे सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्री करना है। अब अगर इतना तगड़ा मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है कि यार मार्केट तो गिर रहा है, यहाँ पे तो पुट बनेगा। जहाँ पे आप, मैंने आपको एक चीज पहले भी सिखाया था कि हार्मोनिक पैटर्न्स आपको एग्जैक्टली बॉटम पे बाई करने का सिखाएगा और टॉप पे आपको सेल करने का सिखाएगा, तो यहाँ पे आपको यही चीज का फायदा होता है।
ठीक है। तो ये आपको पहला एग्जांपल था निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। और ये सिंपल सा हार्मोनिक पैटर्न है, शार्क पैटर्न, इसको अगर आप लगाना सीख जाए, एक बार में नहीं आएगा, अभी अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो कोई बात नहीं है, इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप 2 बार 3 बार 4 बार देखो और जो भी आपको डाउट्स रहते हैं वो क्लियर कर लो, नोट्स बना लो, इसका प्रैक्टिस करोगे कम से कम डेली 1 घंटा 2 घंटा, तभी जाके आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होने वाली है। मेरे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है। एक बार बता दो सब लोगों को समझ में आया ये चीज़ें, सब लोगों को समझ में आया, यस और नो? यस सर। सिर्फ सर डिमार्केशन में जहाँ पे हम लोग मतलब एक्सेस से शुरू करते थे वो डी पॉइंट की जगह यहाँ पे सिर्फ सी होगा, बस यही ना साथ में, क्योंकि हम लोग बाकी पैटर्न्स में एक्सेस स्टार्ट करते थे, यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा लेग लगा दिए हैं ओ एक्स, तो इसलिए जो हमारा लास्ट जो डी था वो सी बन गया और टारगेट हमारा डी हो जाएगा। राइट राइट, ठीक ठीक, ओके। और कोई डाउट क्लियर है अभी सब लोगों को? एक एग्जाम्पल मैं और दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। ओके, अभी मैं आपको बस एक एग्जाम्पल वो एग्जांपल मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करोगे ना काम करेगा मार्केट, जरूरी नहीं है कि 5 मिनट ही होना चाहिए। अब देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब यहां पे मैं आपको फिबोनाची लाके दिखाता हूं किस तरीके से आपको शार्क पैटर्न लगाना है, वो सब कुछ मैं यहां पे आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है, एक इंपल्स लेग ढूंढना है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं इसको इंपल्स मानता हूं, ठीक है। एक सेकंड वेट, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 29 अगस्त का। ओके, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, बताता हूँ, वेट अ मोमेंट। सॉरी, ये 5 मिनट हो गया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और चार्ट हम लोगों का कब का था, रिसेंटली था 30 अगस्त का, ठीक है। वेट, ये रहा। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको किस तरीके से शार्क पैटर्न लगा और मार्केट किस तरीके से, और ये चार्ट जो है ना मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी बनाकर भेजा था, मार्केट ने इसका टारगेट भी हिट किया था, अगर आप पहले से हो ग्रुप में तो आपको ये चीज़ें याद होगा, बट मैं आपको फिर भी आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है, ओके। अब इस इम्पल्स लेग का हम लोगों का क्या नाम देना है, ओ एक्स नाम देना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ओ एक्स है, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि ये हमारा ओ लेग है और जो हमारा टॉप पे है वो हमारा क्या है, एक्स है। अब ओ एक्स का जो नीचे की साइड रिट्रेसमेंट होगा वो कितना परसेंट हो रहा है कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ ही दो, बस आपको एक इम्पल्स चाहिए और एक रिट्रेसमेंट चाहिए, वो जैसे आपको मिल गया यहाँ पे आप शार्क पैटर्न लगाने की कोशिश करोगे, लेकिन वहाँ पे मार्केट फिबोनाची के जो नेक्स्ट लेवल है ना उसको फॉलो करना चाहिए। लाइक ये हमारा ओ एक्स कंप्लीट, ये हमारा क्या बनने वाला है, नीचे की साइड एक्स ए बनने वाला है, तो अब ये एक्स ए ओ एक्स का कितना परसेंट है कोई मतलब नहीं है, बस हम लोगों को रिट्रेसमेंट चाहिए, कितना भी परसेंट हो चलेगा। अब ये यहाँ से नीचे आ जाता फिर ऊपर मार्केट जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, इसको एक बार मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, एक्स ए है, ओके ओके। तो ये हम लोगों का हो गया ओ एक्स कम्प्लीट, एक्स ए कम्प्लीट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की साइड चला गया, लेकिन अगर ये और नीचे आ जाता फिर ऊपर जाता तो भी काम करता, ये और नीचे आता फिर ऊपर की साइड जाता तो भी काम करता, तो कितना परसेंट भी हो कोई मतलब नहीं है, बस हमारा को क्या चाहिए, एक इम्पल्स चाहिए और उसका एक नीचे की साइड रिट्रेसमेंट चाहिए। अब हमारा ओ एक्स कम्प्लीट, एक्स ए कम्प्लीट, अब यहाँ से जो हमारा ए बी होने वाला ऊपर की साइड, ये हम लोगों को रूल में फॉलो होना चाहिए, जो मार्केट में रूल बताया गया वो मार्केट को फॉलो करना चाहिए। तो ए बी हमारा कितना होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए एक्स ए का, तो ये हमारा एक्स ए है, इसका रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्स से लेकर ए तक में फिबोनाची लगाते हैं, अब देखें कि मार्केट किस लेवल को टच करके नीचे की साइड आया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड गया, अब ये हमारा कौन सा लेवल है, 1.13 का लेवल है, यहाँ पे लिखा हुआ 1.13, ये हमारा 1.618। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है ना, किसी भी लेवल को नीचे आ जाए, यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए या एग्जैक्टली इस लेवल को टच करके नीचे आ जाए, कहीं से भी आए हमारा शार्क पैटर्न काम करेगा। अभी निफ्टी में जो आप देखे थे यहाँ से किस लेवल को टच करके आया, 1.13 के लेवल को टच करके आ रहा था, यहाँ पे भी मार्केट 1.13 से थोड़ा ऊपर है और 1.618 के नीचे है, तो इसके बीच में कहीं से भी प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा हमारा शार्क पैटर्न काम करेगा, बस 1.13 के ऊपर होना चाहिए या उसको टच करे रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ओ एक्स कम्प्लीट, एक्स ए कम्प्लीट, रूल के हिसाब से हमारा ए बी भी सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया, तो इसको हम लोग नाम देंगे क्या कि ये हमारा ए बी है, ओके।
जो हमारा ए बी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा बी सी होना चाहिए और सी पॉइंट पे हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि बी सी कितना होना चाहिए, 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए, किसका, ओ एक्स का। अब ओ एक्स कौन सा है, ये हमारा ओ एक्स है, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड कितना होना चाहिए, 1.13 से लेकर 0.88 से लेकर 1.13। ओके, तो मैं यहाँ पे ओ से स्टार्ट किया बॉटम और एक्स के टॉप पे मैंने फिबोनाची को लगाया। अब यहाँ पे जो हम लोगों का कितना बोला 0.88 का लेवल ये वाला और 1.13 का लेवल ये वाला है, तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, 1.13 के नीचे आया है, मतलब 1.13 के पास मार्केट आया। तो मैं क्या करता हूँ, 1.13 के लेवल को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, अब हम लोगों का 1.13 का लेवल मार्क, अब मैं इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है ना, आप उस चीज़ को ध्यान से समझना। अब मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा बी सी भी सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया, हमारा यहाँ पे बी सी भी सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ कि ये हमारा सी लेवल है। ओके, और हम लोगों को एंट्री कहाँ पे करना है, सी पे ही करना है। डी हम लोगों का क्या होता है, टारगेट होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमेशा साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो जहाँ पे आपका सी लेग कंप्लीट, अब आपको एंट्री कहाँ करना है, सी पे। टारगेट क्या होगा, 0.5% ऑफ बी सी। बी सी कौन सा लेग है, ये वाला हमारा बी सी, इसका 50% हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, टारगेट भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपके लिए। तो ये यहाँ रहा हमारा बी से लेकर सी तक 50% का जो लेवल है उसको यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा मार्क कर दो। ये रहा हमारा 50% का लेवल, 38 के ऊपर 50 होता है, इसको डिलीट कर दिया आपने। यहाँ पे एंट्री करना, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, सिंपल आपको रफली समझाया। अगर आप यहाँ पे सिंपल सा डायरेक्ट टूल भी यूज करते हो, बस टूल को यूज करने के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका एक्स से स्टार्ट होगा, तो इसको आपके मन में होना चाहिए कि ये हमारा ओ है और ए की जगह पे ये हमारा एक्स है, ये हमारा ए होने वाला, लेकिन यहाँ पे बी आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लेग हम लोगों को नहीं मिलता। ये 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए, 1.36 है। इसका मतलब क्या हुआ, 1.13 से ऊपर है और 1.618 के नीचे है, कहीं पे भी हो चलेगा। और जो हमारा बी सी होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, 1.13 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1.15 है, तो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो जो हमारा एक्स का लेवल होता है ना, अब मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो लोग इसको सपोर्ट मार्क करके रखते हैं कि ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सपोर्ट सब लोग मार्क करके रखेंगे, जैसे मार्केट यहाँ पे आएगा लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग करना स्टार्ट करते हैं और ठीक इसी लेवल के नीचे क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन आपको एंट्री कहाँ पे करना है, 1.13 के लेवल पे। तो जो आपका एंट्री पॉइंट है आप उसको मार्क करके रखो। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान से देखना, इस पैटर्न में कैसे लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे। आपको एंट्री कहाँ पे करना है, इस लेवल पे, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, इस लेवल पे एंट्री कर रहे हैं, मतलब उसको सपोर्ट मान रहे हैं, इसका यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाते हैं। तो वो मार्केट क्या करता है, उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है, इनके स्टॉप लॉस को यहाँ पे मार्केट ने हिट किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो आपको एंट्री कहाँ पे करना है, 1.13 पे एंट्री करना है, जहाँ पे लोग अपना पोजीशन को काट रहे हैं, अपने पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, जहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और वहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्री करना है। तो हार्मोनिक का यही बस एक खासियत है कि मार्केट एग्जैक्टली आपको बॉटम पे बाई करवाएगा और एग्जैक्टली मार्केट टॉप पे आपको सेल करवाएगा। तो सी पॉइंट पे आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री कर लिया। आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट जो हमारा बी सी ले गया, अब यहाँ पे तो सी डी आ गया, लेकिन आपको मैंने इससे पहले समझा कि ये हमारा क्या है, बी सी ले गया। तो इसका जो 50% होगा वो हमारा क्या होगा, टारगेट होने वाला। तो 50% के लेवल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये रहा हमारा 50% का लेवल। अब मैं इसको फिबोनाची को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। आपने एंट्री कहाँ पे लिया, इस जगह पे एंट्री लिया, और आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहा, ये रहा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा और कितने पॉइंट का टारगेट लगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है, एक बुलिश पैटर्न है। आपने यहाँ पे एंट्री किया, आपको जो टारगेट है वो कितने पॉइंट का है, 450 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस आपको एग्जैक्टली यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हो, जितना भी आपको रखना है। चलो मान लेते हैं कि आपने 100 पॉइंट का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो यहाँ पे और टारगेट है 450 पॉइंट का, तो क्या ये खराब है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पे सोचो कि इस तरीके से आपको पैटर्न्स लगाने पड़ेंगे। जब तक आप पैटर्न्स लगाना नहीं सीखोगे आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे एंट्री करना है। 450 पॉइंट का आपका टारगेट था और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। आप इसको अगर 50 पॉइंट भी रखोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट 1.13 के बाद क्या होता है ना, रिवर्स कर जाता है। अगर इसके नीचे आके एक भी कैंडल क्लोजिंग दे दिया, पोजिशन काट दो, मतलब पैटर्न क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया।
तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर इसको यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट इसका क्या एक्यूरेसी है, कितना बार टारगेट देता है, कितना बार स्टॉप लॉस देता है। ठीक है, 450 पॉइंट का टारगेट, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे 1.13 का लेवल आया, यहाँ पे भी अगर आप लॉन्ग पोजीशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कितने पॉइंट का टारगेट हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा वो भी चीजें दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया, एंट्री किया, तो आपका टारगेट यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 30 पॉइंट का टारगेट है मान लेते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, एग्जैक्टली इसी लेवल के नीचे होगा, तो आपको यहाँ पे 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ठीक है, 5 पॉइंट भी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट निफ्टी में, तो क्या ये खराब है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पहले इस टारगेट को लेने के लिए पैटर्न्स को लगाना आना चाहिए, सारे पैटर्न्स को किस तरीके से लगाना है वो सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस तरीके से इस टारगेट को अचीव कर पाओगे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये हमारा निफ्टी का चार्ट था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसको जिस टाइम फ्रेम पे यूज करोगे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको टारगेट मिलेगा, अगर आप उसको आधे घंटे पे यूज कर रहे हो तो टारगेट भी आपको आधे घंटे के हिसाब से मिलेगा, ऐसा नहीं कि 2 मिनट में आपको टारगेट मिल जाएगा। अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो इसमें भी क्या होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 से 25 मिनट में आपका टारगेट मिल जाएगा, उससे ज्यादा फिर प्रीमियम डीके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, शार्क पैटर्न को यूज करना है। ये हमारा लास्ट पैटर्न था, अगर आप यहाँ पे इसका फोटो वगैरह देखोगे पीडीएफ तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, ओएक्स, ये हमारा क्या है, एक्स है। कितना परसेंट है यहाँ पे नहीं लिखा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एवी पे ध्यान रखना है, 1.13 से 1.618 होना चाहिए, और बीसी कितना होना चाहिए, 0.88 से लेकर 1.13, जहाँ पे भी हमारा लेवल आ रहा है वहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे ऊपर का, और बीसी का जो 50% होगा वो हमारा टारगेट है, वो हमारा बुलिश था, ये हमारा क्या है, बियरिश है। ओएक्स, एक्स, ए बी, बीसी, सी पे एंट्री करना है, और बीसी का जो 50% होगा वो हमारा नीचे टारगेट होगा। ये हमारा लास्ट, और यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, पीडीएफ कंप्लीट, मतलब हम लोगों ने सारे पैटर्न्स को सीख लिया। आपको मैंने इसका लाइव एग्जांपल भी दिखा दिया, मार्केट ने यहाँ पे टारगेट भी हिट किया। अब जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे, चार्ट खोलोगे, चार्ट पे ढूंढोगे, पैटर्न्स के रूल्स को लगाओगे, तभी जाके कोई भी चीज़ें समझ में आने वाली है। ऐसे मेरे बताने से फिर अगर इसको छोड़ दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा सिखाने का। तो इसका प्रैक्टिस करोगे तभी जाके कोई फायदा होने वाला आप लोगों को। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी भी पैटर्न से रिलेटेड? सर जी, इसके स्टॉप लॉस के लिए आपने लिखा सर, उसमें जो रूल्स है वहां पे स्टॉप सम टाइम पॉइंट सी एक्सटेंडेड 2.4, सो स्टॉप लॉस शुड 2.16 ऑफ ओएक्स, ये थोड़ा सर क्लियर कर देंगे? स्टॉप लॉस आप इसको छोड़ दो, यहाँ पे जो है ना उस टाइम पैटर्न्स को जिस तरीके से मैं यूज करता था ना उस हिसाब से मैं स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन जब कभी भी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा टाइम तक यूज कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज है। यहाँ पे मैं लिख दिया था कि ये फिबोनाची के हिसाब से 2.24 का लेवल है, 2.618 का लेवल है ओएक्स का, लेकिन ये आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब मान लेते हैं कि म्यूट कर लेना, OX का अगर यहाँ पे मैं फिबोनाची लगाता हूँ तो ये कितना लेवल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, OX में यहाँ पे फिबोनाची लगाया, प्लीज जहाँ से भी आवाज़ आ रही है ना म्यूट कर लो। अब यहाँ पे देखो ये पैटर्न रूल में क्या बोलते हैं, 2.24 और 2.618 तक इसको एक्सटेंड करना है, तो अब यहाँ पे देखो 2.24 के लेवल को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एक सेकेंड वेट, यहाँ पे 2.414 को ही कंसिडर कर लेते हैं, उसी के आसपास रहेगा, तो अब देखो कि ये लेवल हमारा बहुत नीचे चला जाएगा, तो ये फिर ये गलत हो जाएगा, इतना नीचे थोड़ी स्टॉप लॉस रहता है, तो उसको मैं करेक्ट नहीं किया हूँ। अभी जो नया पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा ना तो उसको वो करेक्ट करके दूंगा, क्योंकि ये बहुत पहले मैंने बनाया था तो उसको करेक्ट नहीं किया, लगभग एक साल पहले बनाया था तभी से वो पीडीएफ है, तो उसको मैं करेक्ट करूंगा। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आपका सी लेवल बनना ना बस इसके नीचे ही आपको 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, अगर आप उसको इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो, लेकिन अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाओ तो उस हिसाब से टारगेट के हिसाब से डिसाइड कर लेना कितने पॉइंट आप ऐसा ले सकते हो। डेली पे यूज कर रहे हो, टारगेट अगर 500 पॉइंट का है तो स्टॉप लॉस आप 50-100 पॉइंट का दे सकते हो, टारगेट अगर आपका 1000 पॉइंट का है तो स्टॉप लॉस आप 200-250 पॉइंट का दे सकते हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर लेना। ओके सर, क्लियर है अभी? सर सर जी सर जी सर क्लियर है सर। ओके ठीक है, तो शार्क पैटर्न सब लोगों को समझ में आया? जी सर, मेरे को। यस सर। ओके, क्या डाउट है आपका? सर मैं पूछ रहा था, जब हार्मोनिक पैटर्न लगाते हैं आप उस टाइम पे जो लेवल है जैसे 6.8 का या किसी का भी, तो जो पैटर्न लगते हैं तो उसकी कैंडल या वीक टच होना चाहिए? हाँ, उसको टच होना चाहिए तभी।
उसको टच होना अगर चाहिए। दो लेवल है तो उसमें भी किसी एक लेवल पे विक या कैंडल टच होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा बीसी जो होता है वो 88 से लेकर 1.13 होता है, तो अगर आप 88 पे भी ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपको इस लेवल के नीचे ही रखना है, 1.13 के नीचे। अगर मार्केट थोड़ा और नीचे आ रहा है, आप वेट कर पा रहे हो, तो आप 1.13 पे एंट्री करो ताकि आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो। तो ये आपकी इच्छा है, आपके अंदर पेशेंस है, तो आप 1.13 तक वेट करो। लेकिन कभी कभी क्या होगी, 88 से भी रिवर्स हो जाता है, तो आपको यहाँ पे आप किस तरीके से ट्रेड करना, मतलब कहाँ पे एंट्री करना है एग्जैक्ट, तो आप वो डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, नहीं इसमें जैसे ये लगाया आपने 30 मिनट पे, ये पी है, पी में जो ये रेड एक कैंडल है सर, वहां पे दिखाई पड़ रही, तो ये पी पे जो है इसकी विक को टच किया पैटर्न में, तो ये जरूरी है कि विक या कैंडल जो है टच होनी चाहिए। देखो अगर एक सिंगल लेवल है सिर्फ, अगर 1.13 होता तो इसको टच करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या है 88 से लेकर 1.13, तो 88 से लेकर 1.13 ये पूरा एक जोन बन गया। अब इस जोन के अंदर प्राइस एंटर करना चाहिए और यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। अगर ये इसको टच नहीं भी करता तो चलेगा, अगर इसको टच नहीं भी करता ना तो चलेगा, क्योंकि इससे पहले भी तो एक लेवल था 88, उसको तो टच कर दिया ना मार्केट, तो वहां से भी रिवर्स कर सकता है। इस ये जो हमारा पूरा जोन बना, अगर यहाँ पे 88 नहीं होता, सिर्फ 1.13 होता, तो मार्केट फिर इसको टच करना चाहिए, तभी यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, अभी क्लियर है? जी सर। ओके, और कोई डाउट आप लोगों का हार्मोनिक पैटर्न से किन्हीं का भी? सर एक निफ्टी में 5 मिनट पे डीप ट्रैप पैटर्न बना है, वो बता दो क्या पर देख सकते हो वो मैं चेक सर हार्मोनिक पैटर्न फेल होने के रीजन बताने वाले थे ना। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, आपने फोटो भेजा वो मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिसको आप लोगों को नोट करना है, ठीक है, उसको नोट करके जरूर चलना। देखो हार्मोनिक पैटर्न्स की एक्यूरेसी, अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 99% या फिर 95% है, इतनी हाई एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रेटेजी की नहीं होती है। जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि इसकी 99% है इसको आप यूज़ कर लो, इसकी 95% है इसको यूज़ कर लो, नहीं होता मेरे भाई ऐसा, इतना हाई एक्यूरेसी किसी की नहीं, तो वो सब आपको क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसकी एक्यूरेसी अगर देखी जाए तो 68% है, आप गूगल पे जाना सर्च करना आपको मिल जाएगा कि एक्यूरेसी कितनी, इसकी एग्जैक्ट जो एक्यूरेसी है ना वो 68% है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये फेल क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न होता है, कब हम लोग को हार्मोनिक पैटर्न्स यूज़ नहीं करना चाहिए। अब देखो सबसे पहला कंडीशन जो फेल होने का होता है वो क्या होता है, कंसिडर करते हैं कि जहां पे भी हमारा पी आर जेड जोन बन रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूं, ठीक है, और इसको मैं डिलीट करता हूं। पहला कंडीशन जो फेल होने का रीजन होता है ना उसको समझना, अभी हमारा पी आर जेड जोन कहां पे बन रहा है, इस जगह पे हमारा पी आर जेड जोन बना। अब जैसे कि यहां पे हमारा पी आर जेड जोन बना, तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये हमारा क्या है, पी आर जेड जोन है, पी आर जेड, ओके, पी आर जेड जोन क्लियर। इस जोन के अंदर प्राइस एंटर किया, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, अब यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो इस टारगेट के लिए, ये चीज़ क्लियर हो गया। कब हम लोगों को एंट्री नहीं करना है, अगर पी आर जेड जोन के अंदर अगर यहाँ पे हमारा पी आर जेड जोन बनता और उस पी आर जेड जोन के पास अगर इस तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश मारो बूझो कैंडल बन जाता, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इस पी आर जेड जोन के अंदर एंटर कैंडल बना, तो यहाँ पे ये हाइयर चांसेस होते हैं कि ये पैटर्न फेल हो जाएगा, यहाँ पे फिर आपको एंट्री नहीं करना है। अगर मार्केट गिर रहा है और आपके पी आर जेड जोन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन गया मारो बूझो टाइप का, मारो बूझो जिसमें बोलते हैं उस कैंडल को बोलते हैं जिसमें वीक नहीं होता है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होता है जहां पे ओपन हुआ उसके नीचे जाके लो बना दिया और वहीं पे क्लोज हो गया, लो हाई इसका नहीं होता है, तो ये होता है मारो बूझो कैंडल। और प्राइस इस जोन के अंदर अगर कहीं पे भी मारो बूझो कैंडल बन रहा है तो कंसिडर करना कि यहाँ पे अवॉइड कर देना ट्रेड को, यहाँ पे आप ट्रेड लेने की कोशिश मत करना, वहाँ पे हायर चांसेस होते हैं कि मार्केट अभी अपने कंडीशन में नहीं है, मार्केट बहुत तगड़ा गिर रहा है या फिर बहुत तगड़ा ऊपर की साइड भी जा रहा है, तो वहाँ पे पैटर्न फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस जोन के अंदर आएगा ना तो यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई बायर बैठे हुए वो बाइंग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला रूल क्या है फेल होने का, पी आर जेड जोन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रेंज कैंडलस्टिक नहीं बनना चाहिए या फिर मारो बूझो कैंडलस्टिक नहीं बनना चाहिए। अगर सपोर्ट पे है तो वहां पे बेयरिश कैंडल नहीं बनना चाहिए, और अगर रेजिस्टेंस पे है तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बनना चाहिए, वहां पे एक बेयरिश कैंडल दिखना चाहिए रेजिस्टेंस पे, तभी हम लोग क्या करेंगे ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो ये पहला कंडीशन था पैटर्न्स को फेल होने का, अगर पी आर जेड जोन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गया तो वहां पे ये पैटर्न फेल हो जाएगा। तो पहला रूल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है, कभी भी हाई इंपैक्ट न्यूज में इस पैटर्न को यूज करने की कोशिश मत करना।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाला है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो वो सेकेंडरी चीज है, बस इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी अगर ग्लोबल न्यूज हो या डोमेस्टिक न्यूज हो, कोई भी अगर इम्पैक्ट न्यूज है जिससे मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उस दिन मार्केट डायरेक्शनल मूव करता है, रिट्रेसमेंट नहीं लेता उस दिन, डायरेक्शनल इधर अपसाइड इधर डाउनसाइड, तो वहां पे भी ये पैटर्न फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप यूज करना जब कभी भी कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज आएगा। तो मार्केट क्या करता है ना, जरूरी नहीं है कि पीआरजी जोन के अंदर, अगर यहाँ पे मार्केट चल रहा है और यहाँ पे कोई न्यूज आ गया, इस मान लेते हैं 12:30 में कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया, अब यहाँ पे न्यूज आया कि मार्केट में कोई भी पॉजिटिव न्यूज, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, वो पीआरजी जोन के अंदर एंटर ही नहीं करेगा। अब कंसिडर करते हैं कि मार्केट पीआरजी जोन के अंदर है 12:35 पे और यहाँ पे कोई निगेटिव न्यूज आ गया, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा, यहाँ से मार्केट क्रैश कर जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, तो पैटर्न फेल हो जाएगा। और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, ठीक है। तो कभी भी देखना आरबीआई का जो रेट है वो जब रेपो रेट इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, ये पैटर्न हायर चांसेस होते हैं फेल हो जाने के, कई बार मेरे फेल हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी भी कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज आने वाला हो तो पैटर्न को यूज करने की कोशिश मत करो। तो ये हमारा था दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन पीआरजेड जोन में कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल नहीं बनना चाहिए अगर वो सपोर्ट पे बन रहा, तो दूसरा अगर रेजिस्टेंस पे पीआरजेड जोन बनना तो वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बनना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाला तब इस पैटर्न को यूज नहीं करना। ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको हमेशा ध्यान में रखना और उसके हिसाब से ट्रेड करना। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हुए हार्मोनिक को तो यूज ही मत करना। अगर यहाँ पे हमारा पीआरजेड जोन बना है तो यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए भाई, अगर सपोर्ट नहीं है पैटर्न फेल हो जाएगा। देखना यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट नीचे आया यहाँ से ऊपर गया, तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है, और एक्जेक्टली सपोर्ट के पास हमारा क्या बना, पीआरजेड जोन बना, तो यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सपोर्ट है और प्लस हार्मोनिक के हिसाब से भी रिवर्सल है, तो डबल कंफर्मेशन मिला अपने को, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ हमेशा इसको ट्रेड करना है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप सिर्फ हार्मोनिक को यूज कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो हायर आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और हायर चांसेस होते हैं कि पैटर्न फेल हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर आप हार्मोनिक पैटर्न को भी यूज कर रहे हो तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस कम होता है, और जब आपको डबल कन्फर्मेशन मिलेगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर पाओगे। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, पहला कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल नहीं बनना चाहिए सपोर्ट पे अगर वहां पे पीआरजेड जोन है तो, दूसरा हाई इंपैक्ट न्यूज में आप लोगों को हार्मोनिक पैटर्न्स यूज नहीं करना है, तीसरा बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस का हार्मोनिक पैटर्न को यूज नहीं करना है। ये तीन इंपॉर्टेंट न्यूज है, रीजन है जब कभी भी हमारा हार्मोनिक पैटर्न फेल हो जाता है, तो इसको लिख लेना जहां पे भी आपने रूल्स लिखे और इसके हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हमारे रूल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब करना है ये तो हम लोगों को पता है, कब नहीं करना है ये भी पता होना जरूरी है। क्लियर हुआ अभी आप लोगों को, समझ में आया तीनों इम्पोर्टेंट चीज? यस सर, यस सर। सर अभी वाले चार्ट में ये जो सर 5 मिनट्स का बता रहे हैं, तो इसमें सर तो एक दिख रहा है ना, जैसे अभी स्ट्रॉन्ग एक वो बेयरिश कैंडल तो सपोर्ट पे एक दिख रहा है रेड वाला, अभी फिर एक बार सर जाइए वापिस चार्ट पे, तो उसके बाद जो आपने नहीं देखा ना, उसके बाद वाला तो ग्रीन है सर, वो फिर एक तब पैटर्न फेल हो जाता। लेकिन जो हमारा पीआरजेड जोन है वो कहाँ पे बना, एक्जेक्टली सपोर्ट पे बना, 1.13 का लेवल ये रहा, तो मार्केट इस लेवल को टच किया और यहाँ से रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन मिल गया इसको, मतलब यहाँ पे बायर ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया बायर का, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग, फिर थोड़ा सा नीचे और यहाँ से आपके टारगेट को हिट कर दिया। पीआरजेड जोन के अंदर ऐसा कैंडल नहीं बनना चाहिए, अगर यहाँ पे हमारा जोन बना उसके बीच में ऐसा कैंडल बन गया तो पैटर्न फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो यहाँ पे भी देखना, इस पीआरजेड जोन के अंदर एंटर किया, मान लेते हैं हमारा पूरा जोन है, अब देखना यहाँ पे मार्केट इसके पास कोई भी कैंडल नहीं बना जो इसके नीचे गया हो। अब यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक पीआरजेड जोन है, कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पीआरजेड जोन है, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ मैं, ओके। पीआरजेड जोन के अंदर एंटर किया, अब यहाँ से देखो मार्केट बॉटम से इसको रिजेक्शन मिला, इसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बन गया, देखना ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बना, तो ये हम लोगों को एक बुलिश साइन दिखाता है। अगर सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बना तो वो क्या होता है, एक बुलिश कैंडल होता है। अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पे पीआरजेड जोन में एक बुलिश कैंडल बना इन्वर्टेड हैमर, तो मतलब कंफर्मेशन तो यहाँ पे आपको कैंडल्स भी दे रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है, प्लस हार्मोनिक का एक रिवर्सल जोन भी बन रहा है, तो यहाँ पे आप आराम से ट्रेड में एंट्री कर सकते हो इस टारगेट के लिए। समझ में आया अभी?
ओके, वो कैंडल सिर्फ सर बेयरिश यानी वो क्लोजिंग और ओपनिंग वहीं पे होना चाहिए जोन के अंदर, तब नहीं करेंगे। देखो अगर ये पी आर्चर जोन हमारा यहाँ पे होता और इस तरीके का अगर कोई कैंडल बन जाता जो पी आर्चर जोन के नीचे जाकर क्लोजिंग दे रहा, थोड़ा नीचे जाकर क्लोजिंग दे रहा, तो पैटर्न फेल हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रहा है कि मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं है, जोन के नीचे जो हमारा 1.13 का लेवल है ना, ये वाला जो मैंने लाइन मार किया, इसके रिजेक्शन लिया और यहाँ पे फिर इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल बन गया। मतलब समझ आया कि यहाँ पे बायर भी बैठे हुए, मार्केट यहाँ से रिवर्स आपका टारगेट हिट कर दिया। अब समझ गया सर, वो जोन्स के क्रॉस अगर कर जाए और उसके बीच में बने तो फिर नहीं ट्रेड लेना है, और एकदम उस लाइन के वहीं से बाहर है फिर उसको रिजेक्शन दिया तो ऊपर चला जाएगा फिर वो मार्केट। यस, यहाँ पे आपको बस यही चीज ध्यान रखना, स्टॉप लॉस जो होता है ना इसी के नीचे लगाना है। तो अगर मैं इस तरीके से जोन को मार करता और यहाँ पे आपका हमारा 1.13 का लेवल आता, कंसिडर करते हैं यहाँ पे हमारा 1.13, तो अगर ऐसा कहीं पे कैंडल बन गया तो आपका स्टॉप लॉस गया फिर, तो यहाँ पे आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, फिर अवॉइड कर देना उसे। क्लियर हुआ, समझ में आया? आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी एक पैटर्न प्लीज बना के दिखा दो। कौन सा पैटर्न बना के दिखा दूं? साइफर। कल भी तो बना के दिखाया था ना साइफर, कब सिखाया था? एक सेकंड। नहीं सर, मैं उस दिन क्लास नहीं ले पाया, आपने 7 बजे क्लास दी थी और 8 बजे को बटरफ्लाई गार्टली और साइफर। ठीक है, तो आप हार्मोनिक पैटर्न्स का तीसरा लेक्चर देखना, उसमें आपको साइफर मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा वहाँ पे। क्योंकि अगर फिर से वापस से बनाना स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको मैं वीडियो भेजूंगा, आप देख लेना। ओके, ठीक है। ओके, और कोई डाउट आप लोगों को? हार्मोनिक पैटर्न सब लोगों को समझ में आया कि नहीं का कोई भी डाउट? नो डाउट सर, मतलब सब लोगों को समझ में आ गया है, राइट? यस सर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है ना, अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करना। देखो अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसका आप लोग प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, तो मैं नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 2 अक्टूबर से, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोगों को ये क्लासेस कैसा लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा भी लग रहा है, जो मैं आज नया वीडियो बनाकर डाला हूँ ना, उसको मैं ग्रुप में लिंक दे देता हूँ, उसमें आप लोग कमेंट कर देना कि हाँ जी सर आपका क्लास ऐसा था वैसा था, अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, ताकि जो भी नए बंदे आए ना उन लोगों को समझ में आए कि हाँ हम लोगों का एग्जैक्टली क्लास किस तरीके से होता है। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डाल दिया हूँ उस वीडियो का, उसके नीचे जाकर अभी आप लोग बस कमेंट कर देना। मुझे आप लोगों से बस इतना ही सपोर्ट चाहिए ताकि जो भी नए लोग आए ना उन लोगों को समझ में। मैं आप लोगों से कोई पैसा वगैरह तो मांगता नहीं हूँ कि 10,000 पे करो फिर क्लास दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे फ्री में सीख सकते हो, मैंने आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक को समझा दिया, आपके जो भी डाउट थे उसको भी मैंने क्लियर कर दिया। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर मतलब वो हम लोग सेकंड या थर्ड डे थोड़ा सा ट्रेकिंग व्यू वाला जो सर पैनल है ना, जैसे लॉन्ग टाइम लेना है, वो कभी भी फ्री हो सर तो थोड़ा सा आधे घंटे या 20 मिनट का ये नेक्स्ट क्लास हो जाए, या फिर नेक्स्ट क्लास ट्रेन में करते हैं या बस में, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कहीं प्रॉब्लम होती है सर उसमें। कंट्रोल पैनल है ना, वही साइड में जो आप जा रहे हैं सर ऊपर से लेके लॉन्ग पोजिशन ये वाला नीचे एक एक करके बोलिए भाई, पहले रामलाल आप बोलिए, आपको क्या डाउट है, क्या डाउट है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही। अंकुर आपका कोई डाउट है? ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना, वही चीज ना। नेक्स्ट बैच आप ज्वाइन कर लेना, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे ही मैं आपको सिखा दूंगा ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना होता है। ओके, फर्स्ट डे ही बताऊंगा, बैच 9 का जो क्लास होगा ना, फर्स्ट डे ही मैं आपको पहले ट्रेडिंग व्यू सिखाऊंगा, फिर मैं आगे का क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा। ओके, वो 2 अक्टूबर से ही है ना, आपने तो डाला है लिंक, 2 अक्टूबर से ही है।
ठीक है, तो अभी जो भी बीच में टाइम है ना, इसमें बस नॉर्मल आपको जो भी मैं ट्रेड वगैरह करता हूँ उसका एनालिसिस, उसका वीडियो, जो भी प्रॉफिट लॉस होते हैं वो मैं आपको बना बना के डालूंगा, या कोई नया टॉपिक मिला तो उसका वीडियो बना के डालूंगा। फिर 2 अक्टूबर से हम लोग का नया बैच स्टार्ट होगा ताकि नए लोग और ज्वाइन हो जाए, ताकि वो लोग फिर सीख पाए। ठीक है ठीक है, मैं चैट बॉक्स में क्या करता हूँ ना, अपना व्हाट्सअप नंबर डालता हूँ, जिनको भी ग्रुप में ज्वाइन होना ग्रुप में नहीं है वो इस नंबर पे मेरे को मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, 9341 एक सेकेंड 9341309652 ओके, इस नंबर पे आप क्या करो, मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज डालो, मैंने चैट बॉक्स में नंबर लिख दिया, सेव कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव करके मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, और जो भी नए लोग हैं जो सीखना चाहते हो आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई भी हो, उसको आप ग्रुप का लिंक दे सकते हो, अगर लिंक चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं लिंक दे दूंगा, या फिर जो हमारा वीडियो है ना जो मैं भी डाला हूँ ग्रुप में वही शेयर कर देना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दिया हुआ हूँ। ओके।